वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ वो ईसा नगरी का इलाका कहलाता है। इस इलाके के बारे में मशहूर है कि यहाँ पे मंशियात फरोशी का कारोबार खुलेआम होता है, और हमने कुछ अर्सा पहले यहाँ पे एक अपनी एपिसोड भी की थी ड्रग्स पे ही, और उसमें हमने दिखाया था कि हमारे पीछे जो ये जगह है ईसा नगरी का इलाका, यहाँ पे खुलेआम ड्रग जो है वो बेची जा रही थी। इस सिलसिले में हम इसके इलाका जो लगता है, इस इलाके का थाना जो लगता है, उसके पास हम गए, उनसे मालूम करने की कोशिश की कि वो आया इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, यानी कि ये इलाका जो है उनके अंडर आता है यानी, तो पीआईबी थाने वालों की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया कि ये इलाका उनके अंडर नहीं लगता। जबकि इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये लियारी एक्सप्रेस वे है, उसके पीछे ईसा नगरी, और मेरे सामने का जो इलाका है वो है गरीबाबाद का इलाका। तो अब तयन ये करना है कि जिस जगह अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, जहाँ पर मंशियात फरोशी का कारोबार खुलेआम हो रहा है, वो ये एरिया जो है ये किस थाने के अंडर आता है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता से उस जगह तक पहुंच रहा है जहाँ पे वो बंदा ड्रग्स बेचता है। हम उस आगे जाके अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे और वहाँ से देखने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ बंदा बैठा है और किस तरीके से बेच रहा है। हमारा जो बंदा है वो पहुंच गया है जहाँ पे ये मंशियात फरोशी होती है, और वो किसी से बात कर रहा है जो वहाँ पे ड्रग यूजेज कर रहे थे, और उसने बात की है, और आई थिंक वही जगह है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था, जिस रोड के ऊपर से हम लोग चल के आए थे उसी के अंदर एक छोटा सा सुराख है जिसके अंदर से हाथ डाल के उसने उसको पैसे दिए हैं, वहाँ से वो खरीद रहा है। उसके बाहर चौकीदार टाइप के दो लोग बैठे हुए थे जो कि चर्सी लगी रहे थे, और हमें बिल्कुल ऐसा अंदाजा नहीं हो रहा था कि यहाँ बीच रोड में ऐसा कोई सुराख होगा और वो यहाँ से ड्रग खरीद रहे होंगे। बड़ी हैरत की बात है ये कि ये बीच रोड में एक इतना सा होल है जिसके ज़रिए से वो ड्रग खरीदने, और वाकई किसी को भी गुमान नहीं हो सकता कि यहाँ पे इस तरीके से ड्रग बेची जा सकती है। मैं अब आ गई हूँ पीआईबी थाने में। अब हम यहाँ से इनकी जुरिसडिक्शन मालूम करेंगे कि इस थाने के अंदर कौन कौन से इलाके लगते हैं, और ईसा नगरी से हम आ रहे हैं वो इलाका इनके अंडर आता है या नहीं। अच्छा, ईसा नगरी का इलाका आपके अंडर जी है। ईसा नगरी का जो बाई रोड है वो अजीज भट्टी की है, अंदर हदूद जो आबादी है वो हमारी है। आबादी आपकी, रोड जो है वो अजीज भट्टी की है, थाना अजीज भट्टी, रोड जो बाई रोड है। अच्छा, वो इलाका किसके अंडर आता है? लियारी एक्सप्रेस वे का जो ब्रिज जा रहा है उसके नीचे की जो रोड है और उसके बराबर में आबादी और रोड के बीच में जो कच्ची जगह है वो किसके अंडर आती है, नाले के ऊपर की जगह? ईसा नगरी आबादी जो है ना, ईसा नगरी जो आबादी है वो थाना पीआईबी कॉलोनी के हदूद है। आबादी से हटकर जो सर्विस रोड और मेन रोड जो चल रही है वो थाना अजीज भट्टी की, वो जो है अजीज भट्टी थाने में जी, वो उनका हदूद है वो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके थाने के हदूद में कौन कौन से इलाके रखते हैं? क्या ईसा नगरी का जो लियारी एक्सप्रेसवे का जो रास्ता जा रहा है उसके नीचे का जो इलाका है, ईसा नगरी से थोड़ा सा ही आ गया है, तो वो आपके अंडर आता है? ईसा नगरी हमारे पीआईबी के हदूद में आता है। अच्छा, पीआईबी के उसमें आता है ईसा नगरी का इलाका। तो वो जो रोड है वो किसके अंडर आती है? अब मैम आप कौन से रोड की बात कर रही हैं? वहाँ पर तीन थाने लगते हैं उसकी हदूद में, तीन थानों की हदूद है, अजीज भट्टी भी लगती है, और अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो अजीज भट्टी थाने की हदूद भी लगती है और पीआईबी की भी लगती है। तो मुझे ये बताइए कि जो लियारी एक्सप्रेसवे का नया ब्रिज बना हुआ है उसके नीचे की जो जगह है, जो नाला जो है, नाला आने से पहले पहले जो है जगह, वो किसके अंडर आती है? शरीफाबाद का इलाका। तो ये सब तयन किस तरह से करते हैं? आप लोगों के पास मैप है कुछ? है तो आप मुझे दिखाएंगे कि मैप में कौन डिसाइड करेगा कि ये इलाका किसका, क्योंकि अजीज भट्टी वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पीआईबी का लग रहा है और आप कह रहे हैं कि वो अजीज भट्टी का लग रहा है। अभी कंफर्म कर देते हैं। चले आए, ये आपका जो है ये मैप है जी। अब यहाँ लियारी एक्सप्रेस वे का कहाँ है ब्रिज, आप किस तरह से तयन करेंगे? ये जो बाउंड्री है ये है आपकी, ये जो जितनी बाउंड्री बनी हुई है जी। मैप के ये रिटन में है, हमारे पास नोटिफिकेशन है। अच्छा, इस नोटिफिकेशन में क्या होता है? ये हदूद जो है ना तयन हो गया कि इस कोने से लेके उस कोने तक, उस कोने से लेके उस कोने तक, शमाल मशरिक, शमाल जनूब, जो भी, मतलब के ये हदूद इस थाने की डायरेक्शन वाइज ये डिस्क्राइब की हुई है इसके अंदर। तो अब जो ये मैप बता रहा है, मौके पे जाके पता चलेगा ना कि आप किस जगह की बात। अच्छा, मौके पे जाने की बात करें, अगर आप हमारे साथ मौके पे चलें और आप हमें तयन कर दें कि ये हमारे थाने की हदूद है, यानी तो आप मौके पे जाके तयन कर लेते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आप हमारे साथ चलेंगे और उस जगह का तयन कर लेंगे कि ये आपके इलाके का है या ये दूसरे थाने का लग रहा है? बिल्कुल, मैं आपको मौके पे जाके बता सकता हूँ कि ये हमारी हदूद में आता है या अजीज भट्टी की हदूद में है।
इंस्पेक्टर नुसरत शाह हमारे साथ जा रहे हैं उस स्पॉट पे जिसके बारे में हमें कंफ्यूजन थी कि वो किस थाने के अंडर आ रहा है, तो ये हमें वहाँ पे स्पॉट पे जाएंगे और ये हमें लोकेट करेंगे, ये बताएंगे कि आया इनके थाने के अंडर ये जगह आती है या नहीं। और अजीज़ भट्टी थाने के जो SH जो थे तारिक बेग, उनका ये कहना था कि जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वो उनके इलाके में नहीं आता, उनके पुलिस स्टेशन के अंडर नहीं आता। तो वो अजीज़ भट्टी थाना था और ये है PIB थाना। अब PIB थाने के इंस्पेक्टर साहब को हम लेके जा रहे हैं, ये तैनात करेंगे और ये बताएंगे हमें कि आए ये उनके अंडर आती है जगह या नहीं। ये आप देख रहे हैं कि ये हम उस जगह पे जाने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, और ये सर्विस रोड है जो कि ये अजीज भट्टी थाने के अंदर आ रही है, ये कह रहे हैं। अच्छा, ये सर्विस रोड जो जा रही है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये सारी अजीज भट्टी की है। और ये जो फ्लैट्स बने हुए हैं, ये फ्लैट हमारे मकासर, ये फ्लैट आपके हैं, और ये सर्विस रोड जो है ये उन्हीं की है, और ये रोड भी उन्हीं की है, भट्टी वालों की। ठीक है, हम जिस रोड पे अभी जा रहे हैं ये रोड जो है ये अजीज भट्टी थाने के अंदर आती है, और उन्होंने ये कहा था कि ये सिर्फ रोड हमारे अंडर आ रही है और इसके बराबर की जिस जगह ये नहीं आ रही। ठीक है, ये हम इस जगह पे आ गए हैं जिस जगह के बारे में डिस्प्यूट है कि ये किसका इलाका। तो आप मुझे ये बताइए कि ये रोड और ये जो इलाका है ये किसके अंडर आ रहा है? मैडम, ये आता है अजीज भट्टी के अंदर, कंफर्म अजीज भट्टी। और आप लोगों का इलाका ये है सामने वाला साइड पे जो आबादी है, कब्रिस्तान, ईसा नगरी, वो PIB की हदूद में आता है, अंडर आ रहा है। और ये वाली रोड जा रही है सामने जो है अजीज भट्टी की, ये भी अजीज भट्टी है। आपको ये यही बता रहे हैं इंस्पेक्टर साहब की ये जो रोड जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, जिसके बारे में हमने कुछ महीना पहले एक प्रोग्राम भी किया था और कहा था कि यहाँ पे जो है मंशा सरोशे का यहाँ पे कारोबार हो रहा है, और उसके बारे में हम PIB थाने गए भी थे, और अभी भी यही इनका जवाब है कि ये इनके अंडर नहीं है, ये अजीज भट्टी थाने के अंदर है। और अजीज भट्टी थाने वालों का ये कहना था कि ये जो रोड है मेन पक्की रोड जो है ये उनकी है, और ये जो उसके बराबर में ये जो कच्ची जगह है ये जो है PIP वालों के अंडर आ रही है। लेकिन अजीज भट्टी वालों ने तो हमें ये कह दिया कि ये जो रोड है पक्की रोड है, पक्की रोड का इलाका उनका है, लेकिन ये जो कच्चा है ये जो है ये PIP वालों का। नहीं नहीं नहीं, ये भी PIP है, ये भी PIP ना, वो अजीज भट्टी है, अजीज भट्टी। ये फुटपाथ भी जो है ये कच्चा सर्विस रोड, ये भी अजीज भट्टी में आता है, ये सर्विस रोड भी, ये कच्चे का इलाका भी, ये सारा अजीज भट्टी। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर इधर इस कच्चे में कोई वारदात हो रही है, कोई क्राइम हो रहा है, उसकी रिपोर्ट हम कहाँ लेके जाएं, क्योंकि अजीज भट्टी वालों ने तो इनकार कर दिया। अगर वो कहते हैं कि PIP वाले, PIP वाला अफसर यहाँ पहुँचता है, जब यहाँ पहुँचेगा तो फिर वो उसको कॉल करेगा, अजीज भट्टी वालों को बुलाओ भाई, अजीज भट्टी वालों को, अजीज भट्टी वाले मोबाइल आती है तो उसको बताते हैं कि ये बताओ किसका इलाका है, फिर वो कहते हैं कि ये हमारा इलाका है, तो फिर हम उनके हवाले करके तो हम अपने थाने में चले जाते हैं। अच्छा, ये करते हैं, लेकिन अगर इसी तरह कंफ्यूजन चलती रही कि भाई ये हमारा नहीं है, आपने तो कह दिया ना कि ये हमारा नहीं है, हम उधर भी गए हैं अजीज भट्टी वालों के पास, उन्होंने हमें कहा नहीं ये हमारा नहीं है, जब उन्होंने भी ये कह दिया और आपने भी ये कह दिया, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है इस कच्चे इलाके की जहाँ पे मंशात परोसी का काम है? ये है ही रोड ही अजीज भट्टी का, तो वो कैसे नहीं वो मानेंगे? जब है पुलिस वालों की इस बारे में लड़ाई भी होती है क्या? नहीं नहीं, तो इससे फायदा किसको हो रहा है? इस तरह तो जराइम की वारदातों में इजाफा होगा, जो भी मुजरिम होगा यहाँ पे आके क्राइम करेगा वो सोचेगा कि आपस में थाने वालों ने ही डिसाइड नहीं किया कि ये इलाके की जिम्मेदारी कौन लेगा। देखिए मैडम, मैं तो आके मौके पे आके जो आपने बताया मुझे, उसके मुताबिक जो है इलाका हमारा PIP का नहीं है, इसी बारे में आपके साथ आया कि चले कन्फर्म कर लेते हैं कि आप लोकेशन क्या बता रही हैं, इलाका हमारा नहीं है, ये अजीज भट्टी का आता है। अच्छा, जब हम लोग अजीज भट्टी थाने गए तो वहाँ जो SHO है तारिक बेग, उन्होंने हमें ये कहा कि पुलिस वाले जो होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, जाहिल होते हैं, उनका पता ही नहीं होता, उनको गाइड करना ही नहीं आता वहाँ पे, इस वजह से वो इस तरह की गलतियाँ करते हैं। तो क्या वाकई ऐसा होता है सब जाहिल होते हैं? आपके साथ अजीज भट्टी का कोई आया है मायने करने? नहीं। क्यों क्यों नहीं आए वो? अब आप बेहतर बताएं ना, आप तो आपने क्यों नहीं कहा कि आप जाके बताएं लोकेशन किसकी है? हमने बहुत कोशिश की तारिक बेग साहब से, ये उन्होंने हमें मैप भी दिखाया, लेकिन मैप दिखा के उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, ये डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो हमारे जाहिल पुलिस वाले हैं वो सिर्फ इस तरह से गलत गाइड कर देते हैं, इस वजह से ये कन्फ्यूजन होती है, वरना मुझे सब कुछ पता है। हमने क्लियर कर दिया आके कि इलाका हमारा नहीं है। क्लियर कर दिया ना, हमने तो आपको क्लियर कर दिया, हमें पता था कि ये अजीज भट्टी का इलाका है, हमने तो आपको क्लियर कर दिया, हम तो जाहिल वाली बात नहीं करते। तो इससे उनको क्या फायदा होगा? वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते शायद, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। अब इसके बारे में क्या कह सकता हूँ कि वो अपने किसी अफसर को भेजें या
मायने करें इलाका किसका है, किसकी हदूद आती है। ये है वो जगह जिसकी वजह से हमने ये पूरा जो है मामला किया, क्योंकि ये वो जगह है, ये मेन होल है जहाँ जिसके अंदर से जो है ड्रग जो है वो सप्लाई हो रही थी, और इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं था कि ये जुर्म किसके इलाके में हो रहा है, किस थाने के अंडर हो रहा है। तो अब यही कन्फ्यूजन है कि ये जो जुर्म हो रहा है ये कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, कौन सा ऐसा थाना जो इस जगह की वो पॉइंट आउट करेगा और इधर रेड करेगा और इस जगह को ख़त्म कराएगा। हम यहाँ अजीज़ भट्टी थाने आए थे टेरिटोरियल जोरिस्डिक्शन के हवाले से मालूमात लेने के इनके थाने के अंडर कौन कौन से एरियाज़ आते हैं। तो यहाँ पे एक और केस जो है, हमारी एक खातून थी जो केस लेकर आई हुई थी, उनके साथ भी एक वाक़या पेश आया था, तो मैं इनसे पूछती हूँ कि इनके साथ क्या वाक़या पेश आया और उनको इसी हवाले से क्या मुश्किल पेश आई। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मेरा एडवोकेट शमीमा सुलेमान। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके साथ क्या वाक़या हुआ था? एक्चुअली मजदा लूटी थी हम लोग, मैं और मेरी बहन थी मेरे साथ, हम लोग तारिक रोड से बैठे थे, तारिक रोड से हम शॉपिंग करके वापस आ रहे थे, तो यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी रोड पे इन्होंने जो है वो बस लूटी थी कुछ लड़कों ने। हाँ, मुझे नहीं पता कि वो लड़के कौन थे, लेकिन जो है उन्होंने जब लूटी थी तो लैंग्वेज से या मुझे से अंदाज़ा नहीं हुआ, उन्होंने मुझ पर हाँ चलती हुई बस से भी लूटा था। ये मुझे नहीं पता कि वो पीछे से आए थे, लेकिन जब उन्होंने मुझ पर कनपट्टी पर बंदूक पिस्टल रखी थी तो तब जो है वो मुझे पता चला कि यहाँ पे ये कुछ हो रहा। अच्छा, है अच्छा। वो तो पीछे यूनिवर्सिटी रोड पे जब आपकी बस पहुँची है तारिक रोड से यूनिवर्सिटी रोड, हाँ, तब ये कार्रवाई तब ये हुई थी। अच्छा, तो आप लोग फिर उतर गए सब बस से? नहीं, उन्होंने जो है वो चीज़ें लेके चले गए थे, फिर हम लोग उतरे और जो है हमने रोड ब्लॉक किया था क्योंकि कोई भी तैयार नहीं था, लेकिन मैंने कहा अगर इस तरह होगा तो फिर रोजाना रूटीन की बात होगी कि ये रूटीन तैयार नहीं था एफआईआर करवाने के लिए। नहीं नहीं, वो यानी वहाँ पे रोड ब्लॉक करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। ब्लॉक करने का क्या वो इसलिए कि अगर हम चले जाते तो फिर यानी किसी को पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है। हम ये चाहते थे कि ये पुलिस की नॉलेज में ये चीज़ें आती और सबकी ये नॉलेज में आती कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो इसलिए फिर हमने रोक के 15 को कॉल की थी, तो 15 के यानी ये लोग आ गए थे, पुलिस मोबाइल आ गई थी उनकी, तो फिर उन्होंने जो है वो हमें अपॉइंटमेंट किया कि उन्होंने कहा था कि जुरिस्डिक्शन बन रही है पीआईबी कॉलोनी की ना। अच्छा, हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि पीआईबी कॉलोनी की बन रही है, आप जो है वो वहाँ पे वो करें, तो उन्होंने जब यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, आप कहाँ चक्कर लगाती फिरेंगी। तो इतनी सपोर्ट आपको शायद इसी वजह से मिली कि आप एडवोकेट थी, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ का पता था, इस वजह से ऐसा हुआ? मे बी, अगर कोई आवाम का बंदा हमारे साथ ऐसे ही कोई जाता तो शायद अवेयरनेस नहीं है, ये सारी चीज़ें कि अवेयरनेस नहीं है। आप यानी आप जो कर रहे हैं प्रोग्राम, मुझे बहुत अच्छा इस बात का भी लगा क्योंकि मैं दे ही सिर्फ इसी वजह से रही हूँ कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर किसी के साथ ज्यादती होती है, देखिए ये ज्यादती हुई है, अगर ज्यादती होती है तो पुलिस का काम होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनको गाइडलाइन देना, ये सारा पुलिस का ही काम होता है। आम बंदे को क्या पता कि यहाँ से अगर यहाँ से गाइडलाइन वो लाइन बनती है तो ये उस जुरिस्डिक्शन की है या इस जुरिस्डिक्शन की, उन्हें तो सिर्फ अपने काम से मतलब है ना कि ये हुआ क्या है, अपनी परेशानी होता है कि हुआ क्या है। हमने यहाँ पे ये बात की है शमीमा साहब से और ये एडवोकेट हैं, शायद इस वजह से उनकी इतनी सपोर्ट की गई है थाने की तरफ से, वरना अगर कोई आम बंदा यहाँ पे अपना एफआईआर के लिए जाता तो वो सिर्फ इसी कंफ्यूजन में लगा रहता और इसी कंफ्यूजन में जब उसको टाइम लग जाता तो वो ख्वार हो के जो है एफआईआर लॉन्च कराने के बजाय चुपचाप अपने घर चला जाता और उसे कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। और यहाँ पे शमीमा को तो गाइड कर दिया एसएचओ साहब ने, लेकिन जब हम यहाँ पे बात करने आए यहाँ की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में मालूम करने के लिए, तो हेड मोरर जो थे उन्होंने, ड्यूटी ऑफिसर जो थे उन्होंने तो ये कहा था कि जो जिस इलाके की आप लोग बात कर रहे हैं वो हमारे अंडर नहीं आता, आप इसकी प्रॉपर डिटेल मालूम करने के लिए हेड मोहरर के पास जाएं। जब हम उनके पास गए तो उन्होंने ये कहा कि एक प्रॉपर मैप होता है जिसके जरिए हम ये पता लगाते हैं कि ये एरिया हमारे अंडर आता है या नहीं। उसके बाद उन्होंने ये कहा इसके बारे में डिटेल जो है वो हमारे एसएचओ साहब बताएंगे, लेकिन एसएचओ साहब ने ये कह के इनकार कर दिया कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ इस चीज़ का कि मैं आपको ये सारा मैप जो है वो डिस्क्राइब करूँ और सारी डिटेल बताऊँ, और जितने भी लोग जो हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में वो इलिटरेट है, वो जाहिल लोग हैं और वही लोग जो है वो गलत गाइड कर देते हैं हमारे लोगों को जिसकी वजह से उनको परेशानियां होती हैं आवाम को। तो उनके मुताबिक यही था कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट में इलिटरेट और जाहिल लोग हैं जो कि मिस गाइड कर रहे हैं हमारी आवाम को, और जब ये लोग खत्म होंगे तभी इस तरह की चीजें जो है वो खत्म हो सकती। हम ये इस जगह पे आ गए जहाँ पे जुनैद के साथ ये वाकया होता है। जुनैद, क्या हुआ था, किस तरह से आपकी गाड़ी का क्या वाकया हुआ? यहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, मुझसे मोबाइल लिया, हाँ। मोबाइल लेके मुझे गाड़ी में बन के मलीर बकरापीड़ी ले गए। अच्छा। और वहाँ ले जाके लॉकर तोड़ा। अच्छा। और जो अमाउंट थी लॉकर के अंदर सब ले गए वो। तो इस इलाके में ये वारदात हुई है, इसी इलाके से चढ़े हैं वो जी। तो आप फिर इसी इलाके के थाने में गए, कहीं गए कुछ रिपोर्ट? मैं यहाँ से गया सुरापुर थाने ना पीछे की तरफ, तो उन्होंने कहा हमारी हदूद नहीं है, सच्चल थाने की हदूद है, आप वहाँ चले जाए, वहाँ एफआईआर दर्ज हो जाएगी।